डियर स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सप्लीमेंट्री रीडिंग यूनिट नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज मैं आपका यूनिट नंबर 3 रीड 3 यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी टाइम, ये स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले फोकस करिए हमारे साथ फर्स्ट पैराग्राफ पर। तो देखते हैं और दो दो तीन तीन लाइन में पढ़ूंगा, इंडिकेट करता रहूँगा और आप ध्यान से देखते रहेंगे। तो पहली लाइन है, ए स्मॉल टॉकिंग डॉग, ए स्मॉल टॉकिंग डॉग वॉज ए बिग सक्सेस वेन इट केम टू ए थिएटर। एक छोटा सा बात करने वाला कुत्ता डॉग, उसको एक बड़ी सफलता पर था जब वो एक थिएटर पर आया। इट टोल्ड जोक्स, सैंग सॉन्ग एंड डिड ए लॉट ऑफ अदर फनी आइटम्स ऑन द स्टेज। ये जोक भी बोलता था, गीत भी गाता था और बहुत सारे दूसरे फनी आइटम्स स्टेज पर कर लेता था। तो ये आया था स्टेज पर, तो जब ये स्टेज पर आया तो क्या हुआ, आगे का पैराग्राफ मैं बताने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे। बट वाइल इट वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, लेकिन जब ये गीत गा रहा था, ए बिगर केम इन टू द थिएटर, एक और बड़ा कुत्ता थिएटर में आ गया। स्टॉप्ड, उसने क्या कहा, रुको, लिसन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए सुनो। एंड देन रैन अप, और तब उसके बाद वो दौड़ा। एंड जम्प्ड ऑन द डॉग, और तब वो जंप कर गया, स्मॉल टॉकिंग डॉग, यानी जो बड़ा वाला डॉग आया ये छोटे डॉग के ऊपर जंप किया। एंड कैरीड इट ऑफ द स्टेज, और इसको स्टेज से दूर लेके चला गया। जस्ट एज द टू एनिमल्स वेयर डिसअपियरिंग, ठीक जैसे कि ये दोनों जानवर, दोनों कुत्ते छोटे और बड़े वाले, ये गायब हो रहे थे। बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे, एट द साइड ऑफ द एज ऑफ द स्टेज, उस स्टेज के किनारे एकदम पर्दे के साइड से वो लोग गायब हो रहे थे, क्योंकि बड़ा वाला डॉग छोटे वाले डॉग को खींचते हुए ले जा रहा था। तो फिर क्या होता है, देखिए उसके बाद वाली लाइन में इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। तो उसी समय ये जो स्मॉल डॉग है क्या कहता है, द स्मॉल टॉकिंग डॉग सेड, स्मॉल टॉकिंग डॉग ने क्या कहा, आई एम सॉरी अबाउट दिस एवरीबडी, हर किसी से मैं क्षमा चाहता हूँ। दिस इज माई मदर, ये मेरी माँ है। सी डजेंट वॉन्ट मी टू बी एन एक्टर, वो नहीं चाहती कि मैं एक्टर बनूँ। सी वॉन्ट्स मी टू बिकम ए डॉक्टर, वो चाहती है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, इसीलिए वो मुझे घसीट के ले जा रही है। तो ये एक प्रकार का जोक था, छोटा वाला डॉग आया था स्टेज पर, कुछ गा रहा था, फिर डांस कर रहा था, तो पीछे से बड़ा डॉग आता है, जब उसको खींच के ले जाता है, तो ये छोटा वाला डॉग सभी व्यूअर से कहता है कि ये मेरी माँ है, वो नहीं चाहती कि मैं एक्टर बनूँ, डॉक्टर बनूँ। तो एक प्रकार का जोक है ये जो आ रहा है इस स्टोरी में। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सेकंड नंबर में आ रहा है एक दूसरा टॉपिक, मिस्टर जोन्स वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन। मिस्टर जोन्स जो थे बहुत शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, जिस भी स्टूडेंट्स को मीनिंग नहीं आता वो ध्यान से सुन लेंगे। तो मिस्टर जोन्स जो है वो बहुत ही शौकीन है माउंटेन चढ़ने के। सो वन ईयर ही वेंट टू स्विट्जरलैंड, इसलिए एक साल वो स्विट्जरलैंड गया है फॉर हिज हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों में। ही वॉज क्लाइंबिंग ए पीक, वो एक चोटी पर चढ़ रहे थे विथ हिज गाइड, अपने मार्गदर्शक के साथ, यानी जो गाइड करता है। तो फिर क्या हुआ, उस गाइड ने कुछ बोला है, सेकंड में देखिए, द गाइड सेड, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, देखिए द गाइड सेड, गाइड ने क्या कहा, बी केयरफुल हियर, यहाँ सावधान रहना, दिस इज ए डेंजरस प्लेस, ये बहुत खतरनाक स्थान है, यू कैन इजली फॉल, आप आसानी से गिर सकते हैं, एंड इफ़ यू डू, और यदि आप ये करते हैं, यू विल फॉल स्ट्रेट, और आप सीधा गिरेंगे डाउन, एकदम नीचे, वेरी लॉन्ग वे, बहुत लंबा नीचे एकदम सीधे जाएंगे आप। बट ही कंटिन्यूड कॉमली, लेकिन वो शांति से अपना काम जारी रखा, अर्थात चढ़ना उसने जारी रखा। फिर क्या हुआ, देखिए आगे लिखा है, इफ यू डू फॉल हियर, यदि तुम यहाँ गिरते हो, डोंट फॉरगेट टू लुक, मत भूलना देखना, टू द राइट, अब दाहिने साइड देखना मत भूलना, वाइल यू आर गोइंग डाउन, जब आप नीचे जा रहे हो, गिर रहे हो, तो आप राइट साइड देखना मत भूलिएगा, देयर इज ए क्वाइट, क्योंकि वहां बिल्कुल है, क्या है जरा देखिए, वहां पे है, अब क्या है देखिए, वो गाइड बता रहा है, वहां पे है
एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल व्यू, मतलब वहां पे असाधारण सुंदरता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल व्यू, दे आर मच मोर ब्यूटीफुल देन द वन यू कैन सी फ्रॉम हियर, जितना सुंदर तुम यहां से देख सकते हो उससे कहीं ज्यादा सुंदर स्थान उस राइट साइड पे है, जब तुम नीचे जाने लगना, गिरने लगना, तो जरूर देखना, तो ये भी एक प्रकार का जोक ही है। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट अलग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़े से मिसिंग वर्ड हैं, कुछ मिटे हुए हैं, फिर भी आप ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से। अगला टॉपिक है लाल कुड नॉट रीड आर राइट, लाल नाम का कोई पर्सन है, वो पढ़ और लिख नहीं सकता। वंस ही रिसीव्ड ए लेटर, एक बार उसको एक पत्र मिला, ही रैन, वो दौड़ा, टू खान्स हाउस, वो खान के घर पे गया, खान भी कोई पर्सन है, मेंबर है, तो उनके पास गया वो दौड़ते हुए, विद द लेटर इन हिज हैंड, अपने हाथों में पत्र लेकर के वो खान के घर गया, कौन गया, लाल गया। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, खान वॉज ए क्लेवरर मैन, खान एक चालाक आदमी थे, ठीक है, आगे देखिएगा, मैं आपको फिर इंडिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, खान एक चालाक आदमी थे, फिर क्या हुआ, ही कुड रीड एंड राइट, वो पढ़ लिख सकते थे, ही वॉज सिटिंग ऑन ए बेड इन द कोर्ट यार्ड, वो बरामदे में एक बिस्तर पर बैठे हुए थे। अब दोनों के बीच का बातचीत का कुछ पार्ट आ रहा है, देखिएगा, तो सबसे पहले लाल क्या बोलते हैं, देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, विल यू रीड आउट हिज लेटर टू मी प्लीज, क्या मेरा ये जो लेटर मेरे पास है मेरे लिए पढ़ोगे, तो खान कहता है हु इज इट फ्रॉम, किसने भेजा है, तो लाल कहता है आई डोंट नो, द पोस्टमैन हैज जस्ट गिवेन इट टू मी, पोस्टमैन ने मुझे अभी अभी दिया है, प्लीज ओपन एंड रीड इट, कृपया इसे खोलो और पढ़ो, तो क्या होता है, खान ओपन द लेटर एंड रीड आउट टू आर थ्री लाइन, खान खोलता है पत्र को और फिर दो तीन लाइन पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो लाल का रिस्पॉन्स क्या है, देखिए, ओ प्लीज स्टॉप, अरे कृपया करके रुक जाओ, डोंट रीड इट, इसे मत पढ़ो, इट इज़ ए सीक्रेट फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के द्वारा भेजा गया एक सीक्रेट चीज़ है, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू रीड इट, मैं नहीं चाहता कि कोई इसको पढ़े, तो खान क्या रिप्लाई करता है, डोंट वरी लाल, लाल चिंता मत करो, आई विल पुट माई फिंगर इन माई ईयर्स, मैं अपने कान में उंगलियां डाल लेता हूँ, एंड देन रीड आउट योर लेटर टू यू, और तुम्हारे पत्र को तब मैं पढ़ूंगा, यू विल हियर द वर्ड्स, तुम अपने शब्दों को सुन सकोगे, बट आई वोंट हियर देम, लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगा, इस तरीके से मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है, देखिए सभी लोग, तो लाल क्या कहता है, दैट इज फाइन, लास्ट लाइन देखिएगा, दैट इज फाइन, यू आर वाइज मैन, तुम बहुत बुद्धिमान आदमी हो, ठीक है, प्लीज पुट योर फिंगर्स इंटू योर ईयर्स, कृपा करके अपनी फिंगर्स को अपने ईयर्स में डालो, एंड रीड आउट द लेटर्स टू मी, और ये पत्र मेरे लिए पढ़ो, तो फिर अब नया टॉपिक आ रहा है, तो ये तो मजाक था, थोड़ा कुछ टॉपिक आया था, अब अगली टॉपिक देखते हैं सभी लोग, नेक्स्ट टॉपिक में है, सभी ध्यान देंगे, ए वॉरियर किल्ड हिज मास्टर, एक योद्धा ने अपने एक मालिक को मार दिया जान से, ही रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया इमीडिएटली तुरंत, बट द डीड वॉज डन, लेकिन काम तो हो गया था, अर्थात वो मर ही गया था, एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट इफ ही वॉज कॉट, यदि उसको पकड़ लिया गया, ही वुड बी पुट टू डेथ, उसे मौत दे दी जाएगी, सो ही रैन अवे, इसलिए वो भाग गया, जो वो योद्धा था, वैरियर मतलब योद्धा, मास्टर मतलब मालिक, तो उसने अपने मालिक की जान से हत्या कर दी थी, तो पश्चाताप कर रहा था, लेकिन काम तो ये हो ही गया बुरा, अब वो जानता था कि अगर उसको पकड़ लिया गया तो वो मौत की सजा उसको मिलेगी, इसलिए वो भाग गया, तो भाग के क्या हुआ, फिर कहाँ गया, देखिए जरा, ही रीच्ड ए रिमोट विलेज, वो एक दूर के गांव में पहुंचा, दैट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई माउंटेन, जो पूरी दुनिया से मानो वो गांव एक पर्वत के द्वारा कटा हुआ था, ये पहाड़ था, बहुत बड़ा माउंटेन था, और उसके उस तरफ गांव था, तो पूरे अदर वर्ल्ड से मानो उस कटा कटा सा गांव था, वहां कोई पहुंच नहीं सकता था, ऐसा था, द मर्डरर डिसाइडेड टू रिपेंट, मर्डरर ने डिसाइड किया कि वो पश्चाताप करेगा फॉर हिज सिन, अपने अपराध के लिए, सिन मतलब अपराध, रिपेंट मतलब पश्चाताप, बाई सिंगल हैंडेडली कटिंग द रोड थ्रू द माउंटेन टू कनेक्ट द विलेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब
अकेले अपने हाथों द्वारा रोड को काट करके रोड यानी बनाएगा, उस माउंटेन में से सड़क निकालेगा और फिर कनेक्ट करेगा वो रास्ता गांव से जो कि बाकी दुनिया से कटा हुआ था। और इस तरीके से इस काम को करके वो अपने किए पर पश्चाताप करेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। यानी वो रोड बनाएगा जिससे वो गांव कनेक्ट हो सके पूरी दुनिया से, और इस तरीके से उसका पश्चाताप भी पूरा हो जाएगा। अगला देखें सभी लोग। ही वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहा। एंड इन 4 ईयर्स, और 4 साल में, हैड मेड हाफ वे इन टू द माउंटेन, वो पर्वत का लगभग वहां से लेकर के आधा रास्ता उसने कंप्लीट कर दिया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन ही वाज हार्ड एट वर्क इन द टनल, जब वो कठिन परिश्रम कर रहा था उस टनल में, सुरंग, टनल मतलब सुरंग, उस टनल यानी सुरंग में काम कर रहा था। ए यंग मैन कॉल्ड आउट टू हिम, एक नौजवान आदमी वहां आया, उसका नाम बुलाया, टू कम आउट, बाहर आ जाओ। ही वॉज द सन ऑफ द मैन हु वॉज मर्डर्ड, ये वही लड़का था जिस पर्सन के, मतलब ये उसी आदमी का लड़का था जिसका मर्डर कर दिया था इस योद्धा ने। वो आया था, ललकार रहा था कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें मार दूंगा मैं। ही वॉन्टेड रिवेंज, वो बदला लेना चाहता था। तो फिर क्या बोला उसने, देखिए, आई डिजर्व टू डाई, हाँ मैं मरने का हकदार हूं, सेड द फॉर्मर वॉरियर, यानी जो वॉरियर योद्धा है उसने कहा कि हाँ मैं मरने का अधिकारी हूँ, किल मी बाय ऑल मीन्स, मुझे मार देना, बट वेट, लेकिन इंतजार करो, अंटिल आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, जब तक मैं इस काम को कंप्लीट नहीं कर देता, इस सुरंग को कंप्लीट नहीं कर देता, मुझे मार देना आप, क्लियर। तो फिर क्या होता है देखिए सभी, अब यहां से मैं पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। द यंग मैन अग्रीड टू वेट, वो यंग मैन सहमत हो गया कि मैं इंतजार करूंगा। ही वॉज्ड फैसिनेटेड, वो आकर्षित होकर देखता रहता था, एज डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, द वैरियर, उस योद्धा को लेबर्ड काम करते हुए, एट ए सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क, लगभग असंभव दिखने वाले कार्य को करते हुए उस योद्धा को रोज वो यंग मैन देखता रहता था। फिर अगली लाइन देखिए क्या लिखा है। द यंग मैन बिगैन टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर हिज एनिमीज डिटर्मिनेशन, इस यंग मैन में भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गया सम्मान की भावना, अपने दुश्मन के दृढ़ संकल्प को देखकर उसके मन में भी सम्मान की भावना जगने लगी। आया था ये मारने, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके काम को देखकर सम्मान की भावना जगने लगी। इवेंचुअली ही फाउंड हिमसेल्फ हेल्पिंग द मैन, और संयोग बस उसने अपने आप को पाया, कभी कभी मदद भी करने लगा, डिगिंग, खुदाई भी करने लगा, साइड बाई साइड विथ हिम, उसके साथ मिलकर के वो भी रास्ते की खुदाई करने लगा, एंड कैरिंग आउट द स्टोन, और पत्थर भी वहां से खोद खोद के बाहर ले जा रहा था। ईयर्स पास्ड अवे, वर्षों बीत गए, देन वन डे, एक दिन, द टू मैन ब्रोक थ्रू टू द अदर साइड, ये दोनों आदमियों ने मिलकर के, कौन, यंग मैन और वैरियर, दोनों ने मिलकर के ब्रोक, तोड़ दिया, थ्रू द अदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड खोद करके सुरंग के अंदर रास्ता बना दिया। द माउंटेन वॉज कॉन्क्वर्ड, अब इस माउंटेन को पर विजय प्राप्त कर ली गई, एट लास्ट, अंततः, द सेंचुरीज ओल्ड आइसोलेशन ऑफ द विलेज एंडेड, शताब्दियों से इस पुराने अकेले पड़े हुए गांव का जो अकेलापन था वो खत्म हो गया, अर्थात गांव के लिए रास्ता माउंटेन से होकर के मिल गया, अब बन चुका था। तो जब रास्ता बन गया तो फिर क्या हुआ, अब इस आदमी ने क्या बोला, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए, नाउ आई एम रेडी टू डाई, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा, योद्धा ने कहा, नीलिंग, झुकते हुए, बिफोर द यंग मैन, उस यंग मैन के सामने झुकते हुए कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्लीव माई हेड इंटू टू, मेरे सर को दो टुकड़ों में काट दो। द यूथ रेज्ड हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, रेज मतलब उठाया, इस युवा ने अपनी तलवार उठाई, सो दैट, ताकि हिज फादर्स डेथ कुड बी अवेंज, ताकि उसकी पापा की मौत की, पिताजी की मौत का बदला लिया जा सके, अवेंज माने बदला लेना। फिर अगली लाइन में क्या लिखा है देखिए, बट ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू डू इट, लेकिन वो अपने आप को ऐसा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कर पाया, स्लोली ही लोअर्ड, धीरे धीरे उसने लोअर्ड, नीचे लटका दिया हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को। फिर वो बोलता है यंग मैन, क्या बोलता है देखिए, ये बीच से मैं पढ़ रहा हूँ, ही सेड, क्या बोला, यू आर ए मर्डरर, तुम एक मर्डरर हो, बट आई हैव लर्न मच फ्रॉम यू, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इन दीज लास्ट फ्यू ईयर, इन पिछले कुछ वर्षों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हाउ आई कैन किल माई टीचर, मैं अपने अध्यापक को कैसे मार सकता हूँ, अर्थात आप मेरे शिक्षक हुए और मैं आपकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। तो फिर उसने कहा, एंड ही पुट हिज स्वॉर्ड बैक एंड वॉक्ड अवे, और उसने अपना तलवार वापस रख दिया पीछे, और फिर वो वहां से चला गया। इस तरीके से स्टोरी फिनिश हो जाती है।
अब नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप इंतजार करें। थैंक यू।